दादूपुर टीम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करेंगे। आप किस टीम के कप्तान हैं? दादूपुर पहली बैटिंग करेंगे। ये दादूपुर टीम जा रही है, पहली बैटिंग करेगी। मैं तीसरे मैच के पहले इनिंग की पहली बार लेके बॉलर तैयार, और यहाँ पर दादूपुर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बल्लेबाज पहली बॉल और ये वाइड बॉल। अभी इस समय ओपन कर रहे हैं, इस बार खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, हालांकि उस साइड आउटफील्ड थोड़ा सा खराब होने के कारण वहां पर दो रन निकले मेरा अनुसार। राइट ऑफ शोभा का विकेट अमर सिंगल हुआ, इस बार अच्छी गेंद फिर से जा रहा है, पॉइंट की दिशा में खेला गया दो एरिया से रन आज है, फिर से तैयार तलावरपुर के अच्छी गेंद लगाना चाहते हैं। यहाँ पर इस तरीके का इनका खेल रहता है इस सेकंड मैच में, और इस गेंद को करने की कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है दादूपुर में, लेकिन जो है अलावापुर टीम अच्छी बॉलिंग लाइनअप इसमें भी है। दादूपुर का सबसे बड़ा नाम इस समय स्थाई के नॉन स्थाई के इन पर खड़े हैं, पहला चौका लग गया है। लास्ट बॉल जाहिद, थोड़ा सा दूसरा खिलाड़ी जो रखा गया है वो स्टैक ओवर की गेंद को हल्के हाथों से खेला, वहां मैदान पर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया, हालांकि रन के लिए निकलना चाहते थे जाहिर, लेकिन जाते हैं। फिलहाल महमूद तैयार दायां से और विकेट उनकी गेंद शॉर्ट बॉल दी, उस गेंद को कट किया स्लिप पॉइंट एरिया में, गेंद पहुंची है डिक्लेयर क्षेत्र की ओर, दो रन वहां पर मिल जाएगा, इससे खाता खुलता हुआ यहां पर सद्दाम का। इसी दो रन और विकेट गेंदबाजी समय कर रहे हैं, दौड़ना शुरू किया अंपायर के पास से होती उनकी गेंद, गेंद ऑफ स्टंप पर टिका पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और वाइड बॉल का सिग्नल ना हुआ। फिलहाल तैयार दानिया से और दबी के लगी गई है, लगी स्टंप पर उसे खेला है, ऑन साइड का कवर पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के, है कि आगे की गेंदबाजी किस तरीके से शुरू हुआ, गेंद उस गेंद को खेला है, कोई खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, ये तन बनाती फुल बाउंड्री लाइन के बाहर, तो सद्दाम के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, जबकि उनकी टीम से लगने वाला है दूसरा चौका, एक चौका जाहिद भी लगा चुके हैं। ताला से है जान रहे हैं महमूद सद्दाम, इस बार अच्छी गेंद के नीचे है अलावलपुर के गेंदबाज, इस समय दानिया से वर्धा विकेट, इस बार अच्छी गेंद हो रहे, मुझे पता है ताला वालों को, इस कैल लेग थोड़ा सा डीप रखा गया है उसे, इस कैल लेग को पांच खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है किसी भी संभावित कैच के लिए, इस बार और यहां पर बोल्ड हो गए, जाहिद इस शॉट को ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, बोल्ड हो गए, अपना काम कर दिया, ऑफ स्टंप से चाट गिराई और डंडा पीछे। आयोजन में टूर्नामेंट की शुरुआत की तो जैसे कि मैं आपको बताया था, एक तारीख से गाजी की टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, इस बार रंजन लिया है, तो फिलहाल अर्षद तैयार और रवि के डगली गेंद के साथ रंजन होंगे बल्लेबाज, लेकिन गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ा परेशान करके रखा, इस बार अच्छी गेंद थी और सुंदर कैच, हालांकि एक समय लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ जाएंगे और कैच नीचे हाथ, और यहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, दादूपुर का दूसरा विकेट गिर गया, खिलाड़ी था उसने कैच को, और यहां दादूपुर का दूसरा विकेट गिर गया। अब दोस्तों अब देखिए क्या होता है, अच्छी गेंद थी है जो कि कैप्टन नहीं आया अलावलपुर के इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर, दानिया से और रवि के महमूद की गेंद, इस बार भाग लिया था सत्ताम, चूंकि जानते थे कि इस बार गेंद हमारी रडार में है, उन्होंने बल्ला खोला के जो झंड लगा था उनके बल्ले में उसको साफ किया गेंद को, सत्ताम इस बार अच्छी गेंद थी, कीपर छूटे और स्लीपर छूटे और वाइड बॉल का इशारा कर रहा है, फिलहाल महमूद अगली गेंद के साथ तैयार, दानिया से गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई लगभग सेकंड की एज लगे, ज्यादातर उनके शॉट मिड बैट के पीछे इस बार को भूल भेजा है, पंडाल के बगल जो स्क्वायर लेग चार रन पंडाल लगाया गया उसके जस्ट बगल से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रनों के लिए छह रन जी है, सद्दाम बिल्कुल खतरनाक बल्लेबाज है, आप भी अब खतरनाक साबित होते हुए साबित किया कि मैं ऐसे ही थोड़े से बॉल उनके रडार में आई, टूट करके पड़ते हैं और भरपूर
नसीहत देते हैं उस खराब गेंदों का। इस बार गेंद थोड़ी सी अच्छी थी इसलिए चीजें यहाँ पर जुटा दी है, काफी ज्यादा समय भी दे रहे हैं। स्कोर की बात करें 43-45 रन के बिल्कुल करीब से निकलती हुई आह जरूर निकली थी विकेट की। चाहिए कि यहाँ पर जब बॉलर गेंद फेंके तो हमें खामोश रहना चाहिए। सिस्टम के बाहर कवर का जो पॉइंट है इसका कवर का खिलाड़ी है वो जाकर गेंद को फील करे। तब तक बॉलिंग वापस रहे हैं, हाथी शायद बॉलर है यहाँ से जाली नीचे करे शहनवाज की गेंद सिस्टम के बाहर और यहाँ पर यह नाता हुआ एम्पायर से जानना जरूर चाहेंगे कि बैट से है या ले भाई का इशारा आता हुआ और यहाँ पर सद्दाम जो दांदूपुर के हिटर बल्लेबाज थे वो बोल्ड होके पवेलियन की तरफ जाते हुए बल्लेबाज होते कुछ समझ में नहीं आया तब तक समझ पाते गेंद उनके स्तंभ को। यार दांदूपुर की टीम बैकफुट पे जा रही है, एक और मैच करना थोड़ा सा कॉपरेट की आपसे उम्मीद है। समय चल रहा है तरमोद बल्लेबाजी के लिए और ये बोल्ड हैट्रिक एक ओवर में ओवर की। यहाँ पर अलावल टीम ने बहुत अलावलपुर टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। तो अलावलपुर का जो आत्मविश्वास इस समय बेहतरीन चल रहा है उनके जो और इस गेंद को हल्के से दिफाई अंदाज में पल थ्रो में खेला ओवर का सिग्नल आता हुआ यहां पर अंपायर का। तो शहनवाज के इस ओवर का खात्मा हो चुका है जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। हालांकि रन कितने दिए हैं हमारे स्कोरर बताएंगे, सिर्फ 4 रन देकर के 3 विकेट यहाँ पर हासिल। बहुत अच्छी बॉलिंग 4 रन देकर 3 विकेट लिया इस बॉलर ने। भगी जा रही थी दादूपुर की टीम उसमें कहीं चैन पुलिंग जरूर किया है इस बार। लगाम लगाया है रनों पर अंकुश लगाया है कहा जाए इस ओवर से 3 बड़े विकेट मिले और मिलने के लिए पहले तैयार मस्तकी उनके सामने सरदास गहरे हाथ बैट्समैन काफी खराब की थी हालांकि सुल्तास बल्ले बल्ले का खेला है। नो बॉल का सिग्नल आ चुका है फ्री हिट लाइसेंस न केवल रन आया बल्कि जो आशा लगाई थी उसको करो हर यहाँ पर डंडा गाय। हालांकि फ्री हिट की शायद फ्री हिट बच गए यहाँ पर अन्यथा पवेलियन तो वो जा रहे थे। नो बॉल पे फ्री हिट मारने के चक्कर बोल्ड हो गए हैं। फिलहाल इनका विकेट बचा हुआ है और क्या ड्रेसिंग रूम में चल रहा है अच्छी की है जो रनों की रफ्तार जो इंटर सिटी की तरह भाग रही थी नो बॉल एक बार फिर से लगभग होगी क्योंकि गेंद काफी हाइट में थी लगभग। हालांकि विचार विमर्श चल रहा है अंपायरों से बीच में नहीं तो अंपायर ने इसे अस्वीकार किया कि नहीं ये गेंद वो नो बॉल नहीं है थोड़ा सा लैंड सामना करेंगे का अच्छी गेंद करना चाहती थी तरीके से बल्ले पर है बाद अंडर प्रेशर में यहाँ पर खेलती हुई टीम दादूपुर। हालांकि इस गेंद को खेला गैप में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं कि दम दनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि इस चौके के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर लौटेगा बट न केवल बल्लेबाजों का बल्कि दादूपुर टीम का भी। जब से सद्दाम आउट हुए तब से बाउंड्री का सूखा पड़ गया था समस्त टीम तैयार और गेंद हवा में इसके नीचे खिलाड़ी आ रहा है कैच यहाँ पर पकड़ता हुआ और इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ। फकीरी की माँ कितनी देर तक खैर मनाएगी लगातार गलत शॉट खेलने के चले जा रहे थे बल्लेबाज शहबाज अंततः उनका अंत हुआ उनके पारी का और वो पवेलियन की राह पकड़ती हुई। अच्छा नहीं बहुत अच्छी बात एक बल्लेबाज और आउट हुआ मारिए छक्का मारिए तो 51 रुपए और यहाँ पर मौका था लेकिन नहीं कैच कर पाए मिड विकेट की दिशा में गए बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चौके के रूप में।
तो एक और बाउंड्री यहाँ पर आती हुई दादूपुर के लिए इस ओवर में। अच्छा भी ऐसा इनाम लगाते हैं कि जल्दी उनकी जगह खाली नहीं होती। मैं आज और मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर जो इनाम लगा था उसने ये फतेह हासिल किए थे कि इनको वो हैट्रिक लगाए थे, काफी इनाम लूटा था जो इनके जेब में पड़ा हुआ था उसको फिर से रिटर्न लगाते हुए वो दूसरे खिलाड़ियों पर। हालांकि अभी इनको एक दिन मैदान में आना है, उसके बाद इनका टिकट है जिस दिन मैं गया। अच्छा यहाँ से वादा की है, यहाँ से अगर हार जाएंगे चले। बैट्समैन तौसीफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक अनुभवी बल्लेबाज है। देखना यह है कि किस तरीके की वो बल्ले जिला पंचायत सदस्य जी को यहाँ पर आमंत्रित गेंदबाजी करते हुए इस मैच में। इसको हल्के से कट किया, गेंद गई डिक्लेयर क्षेत्र की ओर, यहाँ पर दो रन मिलता हुआ 64 रन। अच्छा भाई अब चाहिए कि बैट्समैनों को बरिस्ट इस शॉट पे अच्छा खेला था, लेकिन कहते हैं यहाँ पर कोल्ड किया है, बहुत ही लाजवाब। निश्चित तौर से कुछ हो ना हो लेकिन दर्शकों का दिल जीता जरूर है शहनवाज ने। जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिवाय बोल्ड होने के। आ सकते हैं कि बिल्कुल बैकफुट धकेला है शहनवाज ने, तो देखना हालांकि जी अखाने सम्मानजनक की स्कोर की तरफ प्रवेश कर चुकी है। सम्मानजनक स्कोर बना चुकी है, यहाँ पर क्या होगा जी आउट हो गए, एक और विकेट का पता न होता हुआ। हालांकि लेग बिफोर की अपील जरूर की गई थी लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच किया था, एक बल्लेबाज और रन आउट हुए। लेग बिफोर की अपील को दादूपुर टीम यहाँ बैकफुट पर पूरी तरह जा चुकी है। फिलहाल अच्छा रन उन्होंने खड़ा किया है केतपुर के लिए। फिलहाल शहनवाज की कहर बरसाती गेंदों का सामना नहीं कर पा रहे थे बल्लेबाज, एक और डॉट बॉल फेंकी जरूर थी लेकिन गेंद जो है विकेट कीपर के दस्त। हमें इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिले जी इस बार अच्छी बात थी, लेकिन इस बार गेंद में उछाल ज्यादा था। हालांकि अच्छा लेंगे मैच खत्म होने के बाद नहीं, इस इनिंग के खत्म होने के बाद कैसे इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा यहाँ पर रन मिलता हुआ। हालांकि इस ग्राउंड को बनाने के लिए, इस पिच को बनाने के लिए लगभग 35,000 से ज्यादा खर्च किया है यहाँ पर। इस नीचे भी वॉर्ड करना चाहते थे सवासिफ, लेकिन बल्ला जरूर चला। ये सही इस साल सीजन होगा और इसकी ज्यादा पोस्टिंग में नहीं है इस बार आने के बाद। हालांकि यहाँ पर विदारू खाती गिर पर गिर बॉल दो रन मिल जाएगा। आ चुका है इरफान भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम आ चुका है शहनवाज के लिए, उनसे काफी प्रभावित हुए हैं यहाँ पर इरफान भाई। अलावलपुर उनके लिए उतना भारी भी हो सकता है क्योंकि ये दादूपुर की टीम है, जब वापसी करेगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ही जबर एक अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच भी चुकी है। उस गेंद को खेला है, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है। मात्र एक रन तो इसको भी खाता भी खोल रहा है, स्ट्राइकर रन तो है लास्ट गोल है, चाहे खाता खोले चाहे छक्का मारे। हालांकि कोशिश उनके द्वारा जरूर की गई लेकिन इस तक तो खर्चा हुआ, तो एक और विकेट यहाँ पर। सिर्फ 2 मिनट का समय है टीम अलावलपुर के पास, अलावलपुर और दादूपुर के कैप्टन यार प्लेयर के साथ का वीडियो अगर आपको देखना है। इस बार कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ पर बोल्ड बता रहा था कि वो दादूपुर की टीम है, अगर हालांकि पहले रन की तलाश इस समय टीम अलावलपुर विकेट इस बार करारा बना गया ठीक है। 21 रुपए के हकदार हो चुके हैं इस शॉट के जरिए जो रियासत अली की तरफ से लगाया गया है। पंडाल के अंदर आप चौका मारिए नीचे से तो पहले से जो ब्लेसमेंट किया गया था उनके ध्यान में था कि अंदर मारेंगे तो कैसे आएगा, और वो पांचवी चार से खाता खोला आर के का पंडाल के अंदर और कैसे देगा हकदार रुक गई थी बस उसे तैयार रहे। इस बार भी आते से कट गया रन के लिए बैट्समैन पलटे, आर रन भी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो माइक वाला ये कह रहा है कि इतने चाहे जितनी गेंदें लगे मेरे और उछाल कर खेला है सदाम, उस गेंद को खास कैच किया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया कैच मैंने यहाँ से उस गेंद को कैच किया लगान पर। इस तरीके से एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर टीम अलावलपुर का।
अच्छा आप गरीब आदमी झटके यहाँ पर दे दिए हैं दादूपुर, क्या इस झटके से उबर पाएगी टीम अलावलपुर और अपने टारगेट में पहुंचेगी, ये देखने वाली बात। शानू क्या कहते हैं? जी ऐसे कटकाटी वाला आ रहा बल्लेबाज आ रहा है टीम अलावलपुर से, बॉल उछाल कर खेलने की कोशिश गेंद के लिए, इस पहले अंपायर के बगल से निकले छेद की ओर, दो रन हो रहे हैं स्वारी करना चाहिए लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं है फिर ग्राउंड पर, और ये गेंद अनोखी से है क्योंकि महापुर होता है, इस बार अच्छी गेंद थी, धीरे आगे से दबा रन लेना चाहते थे कि ना मौका था की अपील हो रही है, 81 निकली थी सवाल पूछा गया सिद्धांत के द्वारा लेकिन अपील, अरे बीच में क्या हालो हालो कर रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं था गेंदबाज सॉरी फील्डर लेकिन और यहां पर छक्का से अलावलपुर ने अपने टारगेट को, ये शॉट में अक्के के साथ जरिए पा चुके हैं, शॉर्ट बॉल है इस गेंद को फुल करने की कोशिश बल्लेबाज की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, दो रन और मिलता हुआ है भाई के जरिए यहाँ पर, तो निश्चित तौर से कल तो चाय की अच्छी नहीं होती लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है, इस बार अच्छी गेंद थी, बैडमिंटन पहली बार इनाम उनके शॉट के सिद्धांत तैयार दिखाया कि ये केवल मेरे एक हाथ का कमाल है, सद्दाम जो है आते ही विकेट लिए हैं, कैच को पकड़ सकता शायद ये कप्तान भी है, शायद आज शायद वो एक हाथ घर पे रख के आया, ऐसा नहीं है सद्दाम भाई, दोनों हाथ है आपके पास, दौड़ना शुरू किया करना चाहते थे लेकिन करारा स्ट्राइक बॉल टू बॉलर खेला जब तक गेट हवा में थी, मुद्दे मात्र कोई खिलाड़ी नहीं था तब जब तक गेट फील्ड होकर आती तब तक बैट्समैनों के पास एक रन लेने का मौका, नाजिम पहला शुरू किया इस बार थाई पैग में टकराई, रन नहीं मिलेगा, स्कोर तो लंबा है एक तरीके से, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर चाहिए 9 रन के आसपास का, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो एक तरीके से मुसीबत बन सकता है, ये रिक्वायरमेंट ओवर समाप्त हो गया, 4 ओवर मात्र में मात्र एक रन और एक विकेट, निश्चित तौर पर कसी ही गेंदबाजी जो है अब निश्चित तौर पर अब मैच में और धीरे धीरे पकड़ बढ़ाते हैं यहाँ से दादूपुर, एक तरीके से जिस तरीके से दादूपुर काफी तेजी के रफ्तार से, ये है कि किस तरीके आधी टीम आधा मैच खत्म हो गया, 4 ओवर में 45 रन चाहिए और ये पहली गेंद देखिए क्या होता है, खतरा हो सकता है वहाँ पर खिलाड़ी और फिर ये भी आउट हो गए, आजाद भाई हालांकि थोड़ा सा और पावर देते तो क्या वो रूपए के हकदार भी होते और एक 6 की आए या 4 की आएगी, मेरे हिसाब से अगर ऊपर बाउंड्री आती है तो ज्यादा बेहतर होगा जो है अलावलपुर के लिए, लेकिन नहीं चाहेगी दादूपुर उसके ओवर बाउंड्री है सदा नहीं चाहेंगे, और मैं आपको बता दूं कि मैं नहा के कैप्टन की मैं एक बार तारीफ करना जरूर चाहूंगा कि उन्होंने अपने विकेट कीपर को अभी से ही तैयार कर रखा है, सॉरी बल्लेबाजों को पनिशमेंट के अगर आप करीब पहुंचे तो पनिशमेंट तो आपको मिलना ही वाला बैट्समैन आगे निकल गया बैट्समैन ने मारा गया निश्चित तौर पर बांध के अच्छी गेंद थोड़ी अंदर की तरफ अली साहब पास इनके शॉप पर वहां से लेकिन ऊंचाई की बॉल थी बैट्समैन को समझ में नहीं आने को परेशान करके रखा, अगर आप इस तरीके से बैटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर उस टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाए, आपको चीज सिंगल डबल निकाले बड़े स्टोक के लिए जाए बल्ला जरूर बिना ब्रेक के लाइन में है बल्ला सरा रहा है बैट्समैन वाले साथ अच्छी गेंद भी पूरा हाथों से लगाया लेकिन रन नहीं मिलेगा, ओवर समाप्त 5 ओवर समाप्त टोटल स्कोर, अलावलपुर जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रही है उसको देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम पास की रणनीति कर रहे हैं, हालांकि टाइम पास के लिए तो नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर हाथ आजमाना चाहिए, क्रिकेट है लक बाई चांस, अगर
चार पांच छक्के लग गए तो मैच तो यूं ही पलट जाएगा। अगर ट्रैक हाथ ओवर 15-20 रन का अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं मैच का नक्शा कुछ और होगा। आजाद भाई बराबर आ सकता है अगर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो। हालांकि दादोपुर की 46 हो रहे हैं। अच्छा 14 मिनट हो चाहे तो हम तो हम मैच 56 के चक्कर बालस ने रनजन है जन। चलिए अपने गोटे का पहला ओवर 3 विकेट से 6 ओवर लेकर आए हैं। हालांकि रंजन ने पहली ही गेंद पर लूट लिया है बल्लेबाज को, लूट लिया और यहां पर एक बल्लेबाज फिर आउट हुआ, विकेट के पीछे पकड़े गए। गेंद लगी वैसे विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंच गई जी। बल्ले का धोनी गिराने का सीधा विकेट कीपर के हाथों में तो सफलता हाथ से मिली है। थोड़ा जो है रंजन किस तरीके का खेल अगला मैच होगा कर दो कैप्टन बाला रंजन तैयार। अच्छी गेंदी आप स्टंप के जरूर बाहर बार हरकत में अच्छी आप अपना हाथ खुले धरे स्ट्रोक खेल हो जाए एक बार फिर से रंजन अच्छी गेंदी नीचे रहे बैट्समैन को कुछ समझ में नहीं आया बल्ला जरूर चल रहा है हवा वाली साइड के लिए लेकिन ये कहीं बल्ला और कहीं उठते हुए इस मैच से यहाँ पर कैच छुटा। हालांकि सीधे खड़े थ्री पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी के हाथ में पहुंची थी गेंद लेकिन टिपकाता हुआ कैच कहा जाए जीवनदान जरूर मिला है क्या उसका फायदा उठा पाते हैं। कैच थोड़ा सा नीचे था मुश्किल था वहां पे काफी से इस बार है लेकिन हां में लेकिन आउट। चलिए इस बार अपने सीने के सहारे से इस कैच को पकड़ा है वहां पर। हाथ से तो सरक गई थी ये निकल गई थी फिसल गई थी लेकिन जाके सीने से टकराई। अच्छी गेंदी फाउल बॉल में टकराई और क्लीन आउट किया है। हालांकि हैट्रिक का इनाम था है ओवर फेंका जा रहा है आती हवा को बड़ी शॉर्ट हो चुका है वैसे 12 बॉल शेष है। हालांकि अगर ये इस पंडाल पर छक्का मारते हैं तो यहाँ पर खाता भी शायद नहीं खोल पाए। गोल्डन डेक बड़ी वाली पतक यहाँ पर मिली है बड़ा वाला जीरो लेकर जाते हो जो अच्छी गेंदी है शायद बड़ी बोल दो रन में डाल कितनी स्पीड थी बॉल में कि कीपर के पिंग करे बॉल शो किया सहवाज सुनार निशी रही बॉल निश्चित तौर पर स्टंप के सामने बॉल होती तो निश्चित तौर पर बैट्स इस आप करेंगे इमरान देख रहे हैं किस तरीके से कीपिंग हो रही है जरूर नजर रखेंगे अपने कीपिंग में और ऐसे गिरना भी पड़ता है जब गेंद बाहर जाए तो वाइट बॉल का सिग्नल आता हुआ आजाद भाई वो गिरेंगे नहीं पैर हाथ पैर तो नहीं तोड़ेंगे वो दादोपुर टीम जीती है तो इसका एक मतलब ये भी है कि इसका कीपर बढ़िया था ज्यादा रन पीछे नहीं दिए हैं। दौड़ा शुरू किया सहबाज और अच्छी गेंदी गिराते से दबाया रन के लिए बैट्समैन पलटे एक रन हार में जाएंगे एक रन से कुछ होने वाला नहीं है निश्चित तौर पर मैच कहा जाए दादोपुर की झोली में जा चुका है। दर्शकों के लिए अच्छी खबर जो अगला मुकाबला होगा वो निश्चित तौर से बहुत ही दिलचस्प है। एक एक बॉल की यहाँ पर लगातार संघर्ष देखने को मिलेगा दर्शकों को। इस बार मैदान में 2-3 नए प्लेयर का आगमन हो रहा है। हालांकि तलब लगी हुई है विकेट की क्या पाएंगे इस बार दो रनों से खेला गया रन के लिए बैट्समैन पलटे एक रन और मिल जाएगा सिंगल डबल से कुछ और करके यहाँ पर पहुंचे हैं आज इस मैच को देखने के लिए लेकिन घोई का होम ग्राउंड है किस तरीके से आज प्रदर्शन करे घोई एक अच्छी टीम है उसमें गुलाम जैसे गौस का बैट्समैन रहा है। गुलाम गौस जब पहले बल्लेबाजी में गए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कभी छोटा हुआ करता था मैं नहा की टीम को भी कमजोर नहीं आ रहा हूँ उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे तीरंदाज खिलाड़ी आज आए हुए हैं। जादी रातों से खेला गया रन के लिए बैट्समैन 4 रन है। हालांकि थे वहां पर सद्दाम लेकिन इस बार उनका जो दूसरा वाला हाथ है उसको आजमाए थे वो लेकिन धोखा दे दिया तो रन के लिए बैट्समैन करते हैं और मिल जाएगा यहाँ से तो कुछ अंतिम ओवर फेंका जा रहा था अभी पूरे अगले राउंड में कहा प्रवेश कर चुकी आजाद भाई
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अंदर की तरफ आई बॉल, बैट बॉल, ये नॉकआउट मैच था। दादूपुर टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, पहुंच जाएगी। अभी मुंह में एक तरीके से समझ लीजिए खून लग गया है। अभी इतनी प्रैक्टिस करेंगे इस बॉल से कि अगर अगली बार आएंगे टीम में तो उनका खेल देखना। जी हाँ, और ये टीम गोई के कैप्टन के पास 8 मिनट है आजाद।